हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू डीके इंग्लिश पाठशाला। आज हम पोएटिक डिवाइसेस में जो पांच पोएटिक डिवाइसेस पढ़ेंगे उनके नाम हैं एल्यूजन, रिफ्रेन, एनाफोरा और ट्रांसफर्ड एपिथेट, और उसके बाद में आता है कॉन्ट्रास्ट। इससे पहले हम लगभग 20 पोएटिक डिवाइसेस पढ़ चुके हैं जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इनको देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के पहले पोएटिक डिवाइस से, जिसका नाम है एल्यूजन। इसे एल्यूजन बोलते हैं। एल्यूजन का मतलब होता है कि पोएट अपने पोएम में कुछ लाइंस लिखते लिखते किसी ऐसे हिस्टोरिकल प्ले या इवेंट या किसी भी मूवी या किसी भी ऐसी कोई घटना हुई हो उससे किसी कैरेक्टर को वहाँ पर डिस्क्राइब करता है। डिस्क्राइब नहीं करता, एक्चुअल में उसको मेंशन कर देता है। अब मेंशन करने के बाद में वो ये समझता है कि जो लोग हैं उसके बारे में डेफिनेटली जानते होंगे, वो लोगों से ये एक्सपेक्ट करके चलता है। जैसे आप पहला एग्जांपल देखिए इसमें, ही पिक्ड द बाउल लाइक लॉर्ड रामा एंड ब्रोक इट इन टू पीसेस। अब इसमें लॉर्ड रामा का रेफरेंस दिया हुआ है, भगवान राम का रेफरेंस दिया हुआ है, और भगवान राम का जब रेफरेंस दिया हुआ है तो ये पुरानी एक हिस्टोरिकल प्ले रामायण से दिया गया है। तो यहाँ पर जिसने भी ये सेंटेंस लिखा है उसने रीडर के बारे में ये एक्सपेक्ट किया है कि रीडर्स लॉर्ड राम यानी भगवान राम को जानते हैं। सेकेंड सेंटेंस है, डोंट बिहेव लाइक ए स्क्रूज। अब ये स्क्रूज एक कैरेक्टर का नाम है जो क्रिसमस कैरोल एक प्ले है उस प्ले में से लिया गया है स्क्रूज। तो डोंट बिहेव लाइक ए स्क्रूज। तो एल्यूजन का मतलब क्या हुआ? एल्यूजन का मतलब हुआ कि जब पोएट या कोई लिटरेरी राइटर किसी पुराने कैरेक्टर या किसी पुरानी घटना का सिर्फ मेंशन करता है तो उसे हम एल्यूजन कहते हैं। और भी एग्जांपल हैं इसके, जैसे ही इज़ अ ट्रू रोमियो। अब ये रोमियो एक ऐसा रेफरेंस है जो अधिकतर किसी भी देश में यूज़ कर लिया जाता है। रोमियो का जनरली मीनिंग निकाला जाता है कोई जैसे रोमांटिक कैरेक्टर्स जिसको जो होता है, रोमांटिक कैरेक्टर के लिए रोमियो शब्द का यूज़ किया जाता है। और दूसरा सेकंड सेंटेंस हो सकता है, जैसे यू मे फाइंड योर सेल्फ हेल्पलेस फॉर लाइकिंग बर्लिन। अब जैसे ये सेंटेंस है यू मे फाइंड योर सेल्फ हेल्पलेस फॉर लाइकिंग बर्लिन। अब जो लोग वेब सीरीज के शौकीन हैं, अगर उन्होंने मनी हाइस्ट वेब सीरीज देखी है तो उसमें जो बर्लिन कैरेक्टर है उस बर्लिन कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो क्या मतलब हुआ एल्यूजन का? एल्यूजन का मतलब होता है किसी पोएट या किसी लिटरेरी राइटर द्वारा अपनी रचना में किसी पुराने कैरेक्टर को मेंशन किया जाना या किसी पुरानी घटना को मेंशन किया जाना, उसे हम एल्यूजन कहते हैं। चलिए सेकंड पे आते हैं, रिफ्रेन। रिफ्रेन को समझने के लिए आपको रिपीटिशन को समझना ज़रूरी होता है। तो उसको समझने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको जो पोएटिक डिवाइसेस की प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहाँ पर आप रिपीटिशन को भी देख सकते हैं। तो रिपीटिशन क्या होता है? रिपीटिशन का मतलब जिसमें वर्ड्स का रिपीटिशन होता है। लेकिन रिफ्रेन में क्या होता है? रिफ्रेन में पूरे पूरे फ्रेजेस को रिपीट किया जाता है, उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। तो रिफ्रेन देखिए, इट इज़ ए फ्रेज और ए लाइन रिपीटेड एट इंटरवल्स इन ए पोएम, स्पेशली एट द एंड ऑफ ए एवरी स्टैंजा। तो देख लीजिए रिफ्रेन की कौन कौन सी कंडीशन है। नंबर वन, ये कोई फ्रेज भी हो सकता है। नंबर टू, ये कोई लाइन भी हो सकती है। और रिपीटेड एट इंटरवल्स। एट इंटरवल्स का मतलब बारी बारी से, कुछ एक समय बाद में या कुछ लाइन्स के बाद में इसको रिपीट किया जाता है। और स्पेशली ये हर स्टैंजा के एंड में रिपीट किया जाता है, उसे हम कहते हैं रिफ्रेन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैन मे गो, मैन मे कम, बट आई गो ऑन फॉर एवर। तो ये एक पोएम है द ब्रूक, जो क्लास 9th के सिलेबस में इंक्लूडेड थी, पुराने सिलेबस में जो इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर का सिलेबस था। तो उसमें हर स्टेंजा में ये लाइन रिपीट की गई है, मैन मे गो, मैन मे कम, बट आई गो ऑन फॉर एवर। और ऐसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम है स्टॉपिंग बाई वुड्स वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये स्टॉपिंग नहीं है, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन ए स्नोई इवनिंग, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक पोएम लिखी है। तो उसमें ये लाइन्स हैं, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप,
अगर आपको इसकी लाइंस याद आएं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बट माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो रिफ्रेन क्या हुआ? रिफ्रेन भी रिपीटिशन है लेकिन ये वर्ड्स का रिपीटिशन नहीं है, ये किसी फ्रेज या लाइन का रिपीटिशन है जो हर स्टैंजा के एंड में होता है, उसे हम रिफ्रेन कहते हैं। अब चलते हैं एनाफोरा की तरफ। एनाफोरा एक नया पोएटिक डिवाइस। एनाफोरा क्या होता है? ये वर्ड्स का रिपीटिशन होता है, फ्रेजेस का नहीं, वर्ड्स का रिपीटिशन जनरली बिगिनिंग में होता है और जो पीछे क्लोज आ रहा होता है, यानी जब उससे पहले जो सेंटेंस आ चुका होता है, क्लोज आ चुका होता है, उसी के सपोर्ट में होता है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी देयर, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मी वेल। तो ये इसको और समझने के लिए हम अपनी जो डेली लाइफ में, जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी है, उसमें जिस तरह के रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स यूज़ करते हैं, एनाफोरा कैसे यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं स्टे सेफ, स्टे वेल, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, अगर हम इनको सबको एक साथ रिपीट करते हैं तो इसमें जो स्टे 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 जो वर्ड आ रहा है, इसका रेपिटेशन जो है, इसे हम एनाफोरा कहेंगे। दूसरा देखो, बी बोल्ड बी ब्रीफ। अब इसमें बी 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 बोल्ड बी ब्रीफ, इसमें बी और बी इन दोनों का जो रिपीटेशन हुआ है, इसे हम एनाफोरा कहेंगे। तो एनाफोरा का हम हमारी रोज की ज़िंदगी में भी यूज़ करते हैं। एक है रन फार रन फास्ट, है ना, रन फार रन फास्ट, रन रन को रिवाइज किया गया है, ये भी एनाफोरा कहलाता है। तो देखो, ये इंस्टेड ऑफ कॉलिंग मी हियर, इंस्टेड ऑफ ट्रीटिंग मी वेल, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग मी वेल, तो इसमें जो एनाफोरा क्रिएट हो रहा है, ये इंस्टेड ऑफ के कारण हो रहा है, इंस्टेड ऑफ का रिविजन हो रहा है, रेपिटेशन हो रहा है, इसीलिए इसे एनाफोरा कहेंगे। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पे चलते हैं, जो है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट का क्या मतलब होता है? इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहाँ एडजेक्टिव जो होता है किसी दूसरी नाउन को रेफर करता है, जिसको ये डिस्क्राइब कर रहा है उसको रेफर नहीं कर रहा है बल्कि किसी और चीज़ को रेफर कर रहा होता है। जैसे इसको देखिए, व्हेन आंट इज डेड हर टेरिफाइड टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। अब ये जो है आपके आंट जेनिफर स्टाइगर्स क्लास 12th की पढ़ने है, इसमें देखिए, जब आंट मर जाएगी तो उसके कांपते हुए हाथ वहीं पड़े रहेंगे। तो एक्चुअल में ये हैंड्स, कांपते हुए हाथ जो है, हैंड्स के लिए यूज़ नहीं किया गया टेरिफाइड, ये एक्चुअल में आंट जेनिफर के लिए यूज़ किया गया। तो यहाँ कैसे दिख रहा है, जैसे हैंड्स को रेफ़र कर रहा है लेकिन एक्चुअल में ये कांपती हुई आंट जेनिफर को रेफर कर रहा है। तो देखिए, हियर द एडजेक्टिव टेरिफाइड हैज़ बीन यूज्ड फॉर हैंड्स इन प्लेस ऑफ आंट जेनिफर। तो आंट जेनिफर के बजाय उसके हैंड्स के लिए यूज़ किया गया, जबकि वो रेफर किसको करता है? आंट जेनिफर को। अ स्वीट अननोटेड यंग बॉय सिटिंग एट द बैक ऑफ डिम क्लास। व्हाई इज द क्लास डिम? बिकॉज देयर इज नो लाइट। तो अब क्लास डिम नहीं है, क्लास डिम नहीं है, एक्चुअल में रूम डिम है। क्लास किससे बनती? स्टूडेंट से बनती, तो स्टूडेंट्स थोड़ी डिम है, कौन डिम है? एक्चुअल में क्लासरूम डिम है। तो इसलिए ये यहाँ पर भी ट्रांसफर्ड एपिथेट है कि डिम एक एडजेक्टिव है जो किसको रेफर कर रहा है यहाँ पे? क्लास को, जबकि ये क्लास को रेफर नहीं करना चाहिए, क्लास रूम को रेफर करना चाहिए। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। हियर द वर्ड कोल्ड हैज़ बीन यूज फॉर सी इंस्टेड ऑफ कोल्ड हार्टेड मैन। यहाँ पर ये जो कोल्ड वर्ड है, ये सी के लिए यूज़ किया गया है, जबकि ये रेफर किसको करता है? कोल्ड हार्टेड मैन। कोल्ड हार्टेड मैन कौन से हो गए? जो निर्दयी हो गए हैं, जो वेल्स को या समुद्र जानवरों को परेशान करते समय बिल्कुल भी हिचकते नहीं हैं, वो सभी लोग, उनको यहाँ पर कोल्ड हार्टेड बोला गया, यानी जिनको बिल्कुल भी दया नहीं आती है। तो ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब क्या हुआ? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये होता है कि हम जिसके लिए एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, वो एडजेक्टिव उसको ना रेफ़र करके किसी और चीज़ के लिए रेफ़र करता हो, उसे हम ट्रांसफर्ड एपिथेट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट आप समझते ही हैं, यानी कॉन्ट्रास्ट का मतलब मिक्सचर ऑफ टू अपोजिट थिंग्स, है ना, जिसमें दो चीज़ों को, जैसे ब्लैक एंड वाइट का कॉन्ट्रास्ट होता है, तो ब्लैक एंड वाइट को एक साथ रखने से हमें उनके डिफरेंस का पता चलता है। उसी प्रकार से पोएट या जो राइटर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट का यूज़ करते हैं। किस लिए? दो पर्सन, दो प्लेसेस या थिंग्स या सब्जेक्ट्स के बीच में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, सीमापुरी इज़ ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट। यानी सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर है
पेरीफेरी कहते हैं सीमा पर, बॉर्डर पर, लेकिन फिर भी उससे दूर है। उससे कैसे दूर है? उससे दूर है डेवलपमेंट में, उससे दूर है पैसे में, उससे दूर है एजुकेशन में। तो ये एक कॉन्ट्रास्ट है, तो दिल्ली की बॉर्डर पर, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है, सीमापुरी और दिल्ली में। दिल्ली में बहुत सभ्य लोग रहते हैं, लेकिन सीमापुरी में ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें खाने को खाना नहीं मिलता, रहने को जगह नहीं है। तो ये कॉन्ट्रास्ट। इसी प्रकार से लॉस्ट स्प्रिंग में एक और कॉन्ट्रास्ट यूज़ किया गया है, जहाँ पर साहेब आलम का नाम बताया जाता है। साहेब का नाम बताया जाता है साहेब आलम, उसका फुल नेम क्या है? साहेब आलम। तो साहेब आलम होने के कारण उसे क्या मिलना चाहिए? दुनिया की हर फैसिलिटी। साहेब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का राजा। लेकिन एक्चुअल में उसकी क्या स्थिति है? एक्चुअल में स्थिति ये है कि वो हर चीज़ के लिए संघर्ष कर रहा है, यानी हर चीज़ के लिए उसको लाले पड़े हैं, खाने के लाले पड़े हैं, रहने के लाले पड़े हैं। तो ये इस तरह से हमने आज पांच पोएटिक डिवाइस, कॉन्ट्रास्ट, ट्रांसफर्ड एपिथेट, एनाफोरा, रिफ्रेन, एल्यूजन और पैराडॉक्स पढ़े। आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और किसी और पोएटिक डिवाइस के बारे में अगर आपको पढ़ना है, या इन्हीं में से किसी एक को, अगर किसी एक या दो को आप समझ ना पाए हों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए नाइस डे अहेड।